क्या आप स्वागत करते हैं? नहीं नहीं मैंने अगर इस तरह से किसी का बयान है तो ये उसका अपना निजी मतामत हो सकता है। लेकिन निजी मत कैसे सर, सरकार में तो राज्य मंत्री है ना। किस मंत्री की आप बात कर रही हैं? लक्ष्मी हरीश जी से मैं रघुराज जी की बात कर रही हूँ मैं सर। रघुराज जी तो कोई मंत्री है नहीं प्रदेश सरकार में। रघुराज सिंह जी ये बयान दे रहे हैं झांसी में कि जो लोग मलाई नहीं चाट पा रहे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये कैसी भाषा है, ये क्या दर्शाता है, इतनी संवेदनहीनता। नहीं ये किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले उसको 10 बार सोचना चाहिए, बहुत मर्यादित मेरा जहां तक मत है। इस तरीके की हिदायत तो प्रधानमंत्री भी दे चुके लेकिन बावजूद इसके ये मंत्री नहीं सुधर रहे हैं, लगाम नहीं है इनके हाथ में। सुरेंद्र जी देखिए मेरा हरीश से एक ही प्रश्न है कि हरीश जी आप मलाई खा रहे हैं, योगी जी मलाई खा रहे हैं या बाकी सब लोग मलाई खा रहे हैं? क्योंकि जो लोग मलाई नहीं खा रहे हैं वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। किस तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये लोगों ने स्पष्ट रूप से आप सब लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि जो लोग मलाई खा रहे हैं वो जिंदा है और बाकी सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैंने तो कहा कि ऐसी भी किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन से में जुड़ा हुआ है उसको कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो किसी को आहत करे, पीड़ित करे, और सभी को मर्यादा में रहकर कुछ बात करनी चाहिए। अगर रघुराज जी ने ऐसा बोला है तो गलत। निंदा करेंगे इस बयान की आप? हाँ बिल्कुल, इस तरह की भाषा और इस तरह के बयान की मैं निंदा करता हूँ। लेकिन अगर सरकार के मंत्री का ये बयान आता है तो क्या छवि जाती है जनता में इस बयानों की? नहीं मैंने बताया ना कि इस तरह लक्ष्मी जी कहना चाहता हूँ। अरे लक्ष्मी अब क्या इनकी कि हरीश जी की जान ले लोगे आप? हरीश जी जवाब दीजिए, निंदा की है, निंदा हरीश जी स्पष्ट रूप से करें, इसके अलावा तो इनकी नौकरी चली जाएगी भाई। बहुत शुक्रिया हरीश जी, लेकिन निंदा से काम नहीं चलेगा, लगाम लगाइए जुबान पर। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नावेद जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ शामिल होने के लिए बातचीत में। ताजा तस्वीरें देवा